नमस्कार, अविलासा की रसोई में आपका स्वागत है। कोफ्ते आपने बहुत तरीके के खाए होंगे, पर मैं आज आपके साथ हरे मटर और पालक के कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हरे मटर के कोफ्ते बनाना। कोफ्ते बनाने के लिए हम एक कप बॉयल किए हुए हरे मटर लेंगे, 8-9 पालक के पत्ते, एक बॉयल और ग्रेट किए हुए आलू, हाफ प्याज, बेसन 5 टेबल स्पून, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया और 1 टीस्पून चाट मसाला लेंगे। सबसे पहले पालक के पत्तों को मटर के साथ दरदरा पीस लेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा प्याज, 6-7 लहसुन कटे हुए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च कटी हुई, 2 बड़े साइज के टमाटर कटे हुए। इसके साथ ही हमें चाहिए 8-9 काजू, 3 इलायची, 1 छोटी दालचीनी, 2 लौंग और थोड़े से काली मिर्च। सूखे मसालों में हम लेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1.5 टीस्पून किचन किंग मसाला। सबसे पहले हम इन दरदरे पीसे हुए मटर और पालक को लेंगे, इसमें बॉयल किए हुए आलू डालेंगे, फिर प्याज, हरी धनिया, बेसन, चाट मसाला और नमक डालेंगे, फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हरी मिर्च मिला लेंगे और इस मिश्रण से हम छोटे छोटे गोले बना के तैयार कर लेंगे। इन गोलों में मैदे से डस्ट करते जाएंगे, मैदा बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा मैदा हम झाड़ लेंगे। इसी तरह हम सारे गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे सारे गोले तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ऑयल गरम करेंगे और उसमें एक एक गोले को डालते हुए उन्हें सुनहरा लाल होने तक फ्राई कर लेंगे। हम गोले हमारे लाल हो गए हैं, इन्हें हम निकाल लेंगे। अब हम ग्रेवी के लिए जो भी सामग्री है उसे एक पैन में डालेंगे। फिर इसमें पानी डालेंगे और इन्हें चलाकर ढक देंगे। ढक कर इन्हें सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। उसके बाद इन्हें ठंडा कर पीस कर पेस्ट बना लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए हम पैन में तेल लेंगे, उसे गरम करेंगे, उसमें जीरा डालेंगे। जब जीरा चटकने लगे तो उसमें धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर डालेंगे और इन मसालों को हम थोड़ा भून लेंगे जिससे इनका कच्चापन दूर हो जाए। इसके बाद हमने जो टमाटर और प्याज का पेस्ट बनाकर रखा था उसे डाल देंगे और अच्छे से चलाते हुए इसे भूनेंगे। जब मसाले भून जाएं तब इसमें हम क्रीम डाल देंगे 2 टेबल स्पून, फिर अच्छे से मिलाएंगे। फिर इसमें पानी डाल देंगे और अच्छे से मिलाकर कवर कर देंगे।
जब ग्रेवी में उबाल आने लगेंगे तो हम इन्हें अच्छे से चलाकर उसके बाद इन फ्राई किए हुए कोफ्तों को इसमें डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और इसे ढककर 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हम इन्हें खोलेंगे और इसमें कसूरी मेथी और गरम मसाला डालकर चला लेंगे। फिर से ढककर 2 मिनट के लिए पका लेंगे। लीजिए, गर्मा गर्म कोफ्ते तैयार हैं। इसे आप चावल, रोटी, पराठे के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी कोफ्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।